वरिष्ठ नागरिक है, उन्होंने काफी सीख ली होगी इससे। इसी के साथ मैं इंफॉर्मेशन हमें दी, धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय बार बार व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, परंतु पिछली सरकार की ही व्यवस्था जो है आज दिन तक वो चली हुई है, कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी हमारे को समय पर पेंशन नहीं मिलती थी, आज के दिन भी 3 महीनों से लगातार हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है और हर महीने के आखिरी हफ्ते में लगभग जो है पेंशन रिलीज की जा रही है। इसी प्रकार मेडिकल भत्तों का भुगतान वो भी समय पर नहीं दिया जा रहा है, 2 साल के लगभग हो चुके हैं कि वो पेंशन वो हमारे जो है मेडिकल भत्ता जो है नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से, उप मुख्यमंत्री महोदय से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी संज्ञान लिया जाए और जो 3% दिए अभी जो जारी किया गया है सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी पेंशनरों को, वो भी हमारे को जो जारी किया जाए, अन्यथा अब जो है पानी सिर से ऊपर बहना शुरू हो गया है। और जिस प्रकार पिछली सरकार के समय में हमने धरना प्रदर्शन और रैलियां और मुख्य कार्यालय का घेराव, विधानसभा का घेराव किया था, वो आने वाले मानसून सत्र में इसी प्रकार का रवैया जो है हम करने के लिए तैयार है। हमारी परीक्षा ना ली जाए, हम बुजुर्ग जरूर हैं परंतु हमारे में जोश आज भी उतना ही है जितना कि एक कर्मचारी रहते हुए हमारे में था। तो हम सरकार को फिर एक बार आगाह करते हैं, मैनेजमेंट को आगाह करते हैं कि वो पेंशन जो है 1 तारीख को जारी करे, अन्यथा आने वाले समय में सरकार इस बात के लिए तैयार रहे कि उनको हमारा जो आक्रोश जो है सहना पड़ेगा।